दोस्तों फार्मेसी में चाहे डी फार्मेसी कर लीजिए या फिर बी फार्मेसी कर लीजिए, दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के ही अपने अपने स्कोप्स हैं। डी फार्मेसी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं जैसे ही ट्वेल्थ कंप्लीट कर लेते हैं, जिन्हें एकदम से अर्निंग स्टार्ट करनी है या फिर अर्निंग सोर्स अपना बनाना है। बी फार्मेसी में क्योंकि टाइम लगता है, 4 साल का कोर्स है, थोड़ा लंबा चलता है, इसलिए इसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, पर ज्यादातर इसमें वही स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जो सीरियसली पूरे कोर्स को पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर मेडिसिन लाइन में कुछ आगे निकलना चाहते हैं या फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। डी फार्मेसी और बी फार्मेसी पर बहुत सारी वीडियोस अब तक हमने बनाई हैं, और जब जब आप लोगों का कोई भी रिकमेंडेशन आया है या जब जब आपके कोई भी सवाल आए हैं उस पर हम वीडियोस लेकर आते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बी फार्मेसी कोर्स 4 साल का है, डी फार्मेसी की बात करोगे तो 3 साल का हो जाता है क्योंकि लेटरल एंट्री इसमें मिल जाती है। और आपके जितने भी सवाल जो हमारे पास आए थे, जो डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए आपने बोला था, जिसमें हम आपको अभी बताएंगे कि क्या है प्रोसेस, क्या है एलिजिबिलिटी, मतलब एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या होगा, फीस क्या होगी, अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, एग्जिट टेस्ट कैसे होगा, पीसीआई कैसे चेक करें, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आप लोगों ने पूछे हैं, आज उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, लाखों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत सारी सीट्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, और वो सभी फार्मेसी कोर्सेज करवाते हैं, और कोर्सेज करने के बाद स्टूडेंट्स अलग अलग सेक्टर्स में निकल जाते हैं। बी फार्मेसी वाले ज्यादातर फार्मेसिस्ट बन जाते हैं, मतलब अपनी शॉप खोल लेते हैं बी फार्मेसी वाले, और भी अपने अलग अलग सेक्टर्स में चले जाते हैं। तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बी फार्मेसी के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों हालांकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी वीडियोस अब तक हमारे द्वारा बनाई गई है, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, कब बना था, कब कब इसमें अमेंडमेंट्स हुए, उस पर डिटेल्ड वीडियो हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल है। डी फार्मेसी का एग्जिट टेस्ट किस तरह से होता है, किस किस तरह से एग्जाम लिए जाते हैं, वो सब वीडियोस भी अवेलेबल हैं। और जब जब कोई अपडेट आते हैं फार्मेसी को रिलेटेड, हम अपने इस चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले बी फार्मेसी करने के लिए जो उसकी एलिजिबिलिटी है। दोस्तों एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, बी फार्मेसी आप करना चाहते हैं 12वीं आपकी पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड हो, जो भी कोई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहां से आपने 12th पास की है, 12th में आपके PCB हो या PCM हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, आप कर सकते हैं फार्मेसी। साथ ही आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स हैं तो इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। यही 3 क्राइटेरिया हैं जो कि एलिजिबिलिटी को दर्शाते हैं, और अगर ये 3 चीजें आप पूरी कर लेते हैं तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाता है। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन क्या होता है दोस्तों? बी फार्मेसी जहां 4 साल का कोर्स है, वहीं डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है। डी फार्मेसी करने के बाद अगर आप बी फार्मेसी करने की सोच रहे हैं तो ये कोर्स 3 साल का बन जाता है। बी फार्मेसी के बाद आप एम फार्मेसी करना चाहते हैं तो ये कोर्स 2 साल का होता है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव हुए, पर अभी तक फार्मेसी पर ऐसा कोई बदलाव हुआ नहीं है, और इसमें आने वाले जो भी बदलाव होंगे उसकी भी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। फिलहाल ये 4 साल का कोर्स है, 12वीं के बाद आप कर सकते हो। पर सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, मतलब कि 8 सेमेस्टर के एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं। दोस्तों बी फार्मेसी करना आप चाहते हो, बी फार्मेसी करने से पहले तो आप ये जान लीजिए कि बी फार्मेसी के अपने आप में बहुत सारे स्कोप्स हैं जो डी फार्मेसी के स्कोप नहीं है। डी फार्मेसी कोर्स बहुत अच्छा है, बी फार्मेसी कोर्स उससे भी ज्यादा अच्छा है। सबसे पहली बात, जो पहला मुद्दा हम आज डिस्कस करेंगे वो होता है दोस्तों स्कोप्स। स्कोप मतलब कि आप बी फार्मेसी करना चाहते हो तो डी फार्मेसी से वो कैसे अलग है। दोस्तों बी फार्मेसी आप करते हो 4 साल का कोर्स, और डी फार्मेसी आप करते हो 2 साल का कोर्स। बी फार्मेसी आप कर रहे हो तो डीप नॉलेज आप ले रहे हो मेडिसिन की। आपको पहले भी मैंने कई बार आपको बताया है कि जब आप बी फार्मेसी करने के बाद में या डी फार्मेसी करने के बाद में फार्मेसिस्ट बनते हैं तो आप मेडिसिन पे काम करते हैं, ना कि किसी को हेल्थ का चेकअप करते हैं, ना किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, ना किसी का ऑपरेशन करते हैं। तो बी फार्मेसी 4 साल का जो ये कोर्स है, स्कोप्स काफी खुल जाते हैं। यहां पर आप जो मेडिसिन है उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, अपने खुद के प्लांट्स लगा सकते हैं, खुद की आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, खुद के बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं। इवन जो आपने कई सारे जो हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरी में जो मेडिकल शॉप्स देखी होंगी, कई सारे बी फार्मेसिस्ट वो भी खोलते हैं। और यहां पर अगर आपने बी फार्मेसी कर लिया तो सीधा आप एम फार्मेसी करके कहीं ना कहीं लेक्चरर बन जाते हैं, कहीं ना कहीं आप प्रोफेसर बनकर क्लासेस देना शुरू कर देते हैं, पढ़ाना
शुरू कर देते हैं, यहाँ बाधा बीच में, जैसे आप डी फार्मेसी करोगे तो बाद में बी फार्मेसी करना पड़ेगा, फिर आप एम फार्मेसी करोगे, बट बी फार्मेसी वाले डायरेक्ट एम फार्मेसी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक स्कोप खुल जाता है बी फार्मेसी वालों के लिए, ये एक बेनिफिट है। तो बी फार्मेसी करना अल्टीमेटली एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब 2 साल करते ही आप रोजगार की तलाश करते हैं डी फार्मेसी करने के बाद, अगर आपके पास टाइम है और आप टाइम देना चाहते हो अपनी एजुकेशन को, तो आपको बी फार्मेसी ही करना चाहिए। बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस बी फार्मेसी करने के बाद आपके लिए खुल जाते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। दूसरी बात ये आती है कि आप अगर डी फार्मेसी और बी फार्मेसी में कंपेयर करोगे तो नॉलेज वाइज बी फार्मेसी वाला स्टूडेंट एक्स्ट्रा ही होता है। मैं सभी की बात नहीं करता, बट मैक्सिमम यही देखने को मिला है, क्योंकि वो 4 साल की अपनी पूरी एजुकेशन, मतलब पूरी पढ़ाई जो कर आ रहे हैं मेडिसिन में, जहां डी फार्मेसी में सिर्फ 2 साल की पढ़ाई होती है और बी फार्मेसी में 4 साल की पढ़ाई होती है, तो इसमें बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं है कि नॉलेज किसको ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है बी फार्मेसी वाले को ज्यादा होगी, बट यहां डी फार्मेसी में एग्जिट टेस्ट है। डी फार्मेसी में एग्जिट टेस्ट दिया ही इसलिए गया कि आपने कंप्लीट तो कर ली डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स करने के बाद, बट आपको नॉलेज कितनी है, मतलब मेडिसिन की नॉलेज कितनी है। कोई आपसे कुछ मेडिसिन मांगेगा तो क्या आप मेडिसिन दे पाओगे, मतलब नॉलेज है कि नहीं। आप ऐसा ना हो कोई मांग कुछ मेडिसिन रहा है, आपने सॉल्ट कोई और दे दिया उसको, ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार स्टूडेंट्स के साथ में। इसीलिए डी फार्मेसी में लाया गया एग्जिट टेस्ट। एग्जिट टेस्ट पर डिटेल्ड वीडियो हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पीसीआई कैसे बना, कब बना, क्यों अप्रूवल की जरूरत है, इसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसीलिए बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में बहुत बड़ा अंतर नॉलेज का भी होता है। तो बी फार्मेसी आपको करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है और आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं मेडिसिन के बारे में, क्योंकि इंडिया ही नहीं, आप बाहर देश की किसी भी कंट्री में चले जाओगे तो भी यहाँ पर बी फार्मेसी डी फार्मेसी करे हुए जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन्हें मेडिसिन की नॉलेज है, उनकी बहुत डिमांड है दोस्तों। नौकरियां आसानी से मिल जाती हैं, ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। बी फार्मेसी आपको नॉलेजवान बनाती है, मतलब विद्वान बनाती है। बी फार्मेसी एक अच्छा कोर्स है। अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की ओर। दोस्तों होता क्या है कि बी फार्मेसी आप करना चाहते हैं, बी फार्मेसी में फीस डी फार्मेसी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा आपको देनी पड़ती है, पर मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अगर बी फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं तो अच्छे जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके अंदर बीपीटी जैसे कोर्स कराए जाते हैं, फार्मा डी कराया जाता है, बीएससी नर्सिंग कराया जाता है, बीडीएस कराया जाता है, बीएएमएस बीयूएमएस कराया जाता है, एमबीबीएस कराया जाता है, वहां पर मेडिकल और फार्मेसी और पैरामेडिकल की बहुत बड़ी एक रेंज में कोर्सेज होते हैं। वहां से अगर आप ये कोर्स करेंगे बी फार्मेसी, तो आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब कि अच्छे स्टूडेंट्स के साथ उठना बैठना होगा, अच्छी फैकल्टीज होंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहें तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं, और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी फीस के बारे में कि बी फार्मेसी की फीस कितनी होती है। दोस्तों वैसे तो बी फार्मेसी की जो फीस है, अगर आप किसी कॉलेज से करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज से, तो इसकी पर ईयर की फीस 20,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक हो सकती है। पर अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करते हैं तो इसकी फीस 75,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक पर ईयर की फीस होगी। और इसमें हॉस्टल की जो फीस होगी वो अलग होगी, डेवलपमेंट चार्ज जो होगी वो अलग होगा, और साथ ही जो यूनिवर्सिटी की जो यूनिफॉर्म फीस होती है वो अलग होती है, स्टडी मटेरियल की फीस अलग होती है। तो फीस को अगर जनरली आप देखोगे तो आप पर ईयर मान के चल सकते हो कि 70,000 रुपए से लेकर 1 लाख के बीच में अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। क्योंकि एग्जामिनेशन जो बॉडी होती है, एग्जामिन जो बॉडी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुद में होती है, खुद में ही आंसर शीट चेक की जाती है, खुद ही नंबर दिए जाते हैं, खुद ही प्रैक्टिकल करवाते हैं और खुद ही थ्योरी करवाते हैं। तो यहाँ आपको ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बट ऐसा कॉलेजेस में नहीं होता। कॉलेजेस की आंसर शीट चेक होने जाती है तो वहां पर थोड़ा सा आपको डर हमेशा लगा ही रहता है।
तो फीस के बारे में बताया, ड्यूरेशन के बारे में मैंने आपको बताया और एलिजिबिलिटी बताई। अब बताते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों आपके पास 50% मार्क्स हैं, साथ ही आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कंप्लीट किया है अपनी 12th को, साथ में पीसीबी या पीसीएम है, अब आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट। मतलब कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे कॉलेजेस डायरेक्ट आपको एडमिशन देते हैं बी फार्मेसी में, एंट्रेंस देने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि एंट्रेंस भी होते हैं बहुत जगह यूनिवर्सिटीज में, वो एक अलग यूनिवर्सिटीज हैं, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको डायरेक्ट एडमिशन देगी, एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा और सीधा एडमिशन लेने के बाद आपकी एजुकेशन मतलब पढ़ाई आपकी शुरू हो जाएगी और पढ़ाई करने के बाद हर सेमेस्टर में इसके एग्जाम्स होते हैं। साथ ही दोस्तों हम बात कर लेते हैं बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। दोस्तों हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि आप कोशिश कीजिए कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो, मतलब सरकारी संस्थान में हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर सवाल या जवाब, जो भी कुछ आपके सवाल पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में, उन सब से आप बच जाते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अच्छे से टटोल ले तभी एडमिशन ले, ऐसे ही एडमिशन आप ना ले। क्योंकि बहुत सारी चीजें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको देखनी पड़ती है। क्या क्या देखना पड़ता है? सबसे पहले पीसीआई का अप्रूवल, वो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी देखना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल अगर नहीं है तो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको बी फार्मेसी नहीं करा सकती, आप करना भी मत अगर आपको क्लियर कट पीसीआई का अप्रूवल अगर वेबसाइट पर नहीं दिखता है तो। साथ ही उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी की सीट्स चेक करें, कितनी सीट्स है। कई बार ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा देखा गया है, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने जिनके पास अप्रूवल 120 सीट का या 60 सीट का था, 300-400 एडमिशंस ले लिए, बाद में स्कैम में फंसे और बाद में स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। यूनिवर्सिटी तो ले देकर निकल जाती है इन चीज़ों से, बट फंसता कौन है? स्टूडेंट। साथ में ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहां भी आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उसमें लैब्स चेक कर लें, लैब्स होनी चाहिए अच्छी जहां आप प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल करने के साथ साथ नॉलेज उससे बढ़ती है तो लैब्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 4 साल का टाइम आपको लगता है इसमें फार्मेसिस्ट बनने के लिए, फिर चाहे उसके बाद आप मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें या फार्मेसिस्ट बन जाएं, वो डिपेंड आप पर करता है। और एज की भी अगर बात करें तो मैंने देखा है इसके अंदर 30-35 साल के लोग भी बी फार्मेसी करते हैं, तो ऐसा घबराने की जरूरत आपको नहीं है। बी फार्मेसी एक अच्छा कोर्स है, करना चाहिए। डी फार्मेसी के अपने बेनिफिट्स हैं और बी फार्मेसी के अपने बेनिफिट्स हैं, बी फार्मेसी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं एडमिशन लेने को लेकर, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी आप जानना चाहते हैं, कॉलेज जानना चाहते हैं, फीस के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल है आपके कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से, हमारे किसी सजेशन से आपको कोई मदद मिल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।